सुबह हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में बरघाट विधानसभा में, जहां वर्तमान विधायक कमल बरसकोले का नाम भाजपा ने अचानक हटाकर नरेश वरकड़े का नाम प्रस्तावित कर दिया, तो कमल बरसकोले ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ एवं सहयोगियों के साथ निर्दलीय नामांकन दर्ज कर दिया। अब इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद बरघाट विधानसभा का क्या हाल होता है, ये तो वक्त की गर्द में। आइए देखते हैं संजय काले की पूरी रिपोर्ट। कमल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे आज सुबह ये जानकारी लगी कि 6 मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जनपद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभी लोगों ने रात में ही सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। आज मुझे ये सुबह मुझे ये जानकारी, जिलाध्यक्ष ने कोई बात बताई आपको, कारण कुछ बताया? नहीं, उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हो पाई। जरूर मेरी चर्चा जो है कल जो है हमारे संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया जी से हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि हो सकता है आपकी है, लेकिन जो जिस प्रकार का ये व्यवहार मेरे साथ किया गया है, ये बहुत ही ये अन्यायपूर्ण। तो सर, जो आपने निर्दलीय फॉर्म डाला वो डाला रहेगा, आप उस पर अड़े रहेंगे या फिर उसको? कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए कमल मस्कुल मैदान चुनाव तो लड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक कमल मस्कोली जी हैं। जैसा कि सुबह एक मैसेज वायरल हुआ कि कमल जी की टिकट कट चुकी है, क्योंकि इन्हें पहले टिकट का आश्वासन दिया गया था भाजपा की तरफ से। आओ भैया, और जैसे ही वायरल मैसेज आया कि कमल जी की टिकट कट होने के कारण एक नरेश वरकड़े को दी गई है, हम इनसे जानना चाहेंगे, बताइए आपको टिकट क्यों कटी? मैं बहुत दुखी और व्यथित हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में मुझे भारतीय जनता पार्टी का पुनः बरघाट से उम्मीदवार बनाया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के, सभी पदाधिकारियों के साथ में जाकर के, आज मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए हम निरंतर काम करेंगे। बस आज इस अवसर पर अच्छा, जैसे लोगों का मानना है कि आपने निर्दलीय फॉर्म भरा है, लोग कह रहे हैं कमल मस्कोले जी एक हमारे आदर्श और हमारे साथ करीब और जमीन स्तर से जुड़ी हुई हैं, लोगों का मानना ऐसा आ रही जनचर्चा का विषय चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से 10 वर्षों से बरघाट विधानसभा की जनता ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने से जो मेरा लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, उनका जो स्नेह और प्रेम जो मुझे मिलता रहा है, आज उसी का परिणाम है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटा पैदे, जब मेरा बिहार में, आप दुर्भाग्य समझिए कि पैदी सूची में अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बरघाट से बनाया, तो इससे इस बात का होता है कि बरघाट की जनता, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो राय थी, पार्टी ने भी जो सर्वे करवाया था, कार्यकर्ताओं से राय सुनवाई थी, ग्राउंड स्तर पर उन्होंने पूरी जानकारी दी, उसी आधार पर पैदी लिस्ट में मेरा नाम पार्टी ने तय किया था, घोषित किया था। लेकिन मैं कौन सा कारण है और कौन सा दबाव है, इसको मैं जो है समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने 12 घंटा पहले मेरी टिकट उन्होंने काटी है, जी फार्म नहीं किया। अच्छा, लोगों का यही कहना आ रहा है कि अचानक टिकट कटने से कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े मंत्री स्तर के जो लोग हैं उन्होंने कुछ कांग्रेस से साठ गांठ करके और आपको मतलब देख रेख करने के साथ कुछ ऊपर से सिस्टम तो नहीं बना के करा हुए उन्होंने, ऐसा तो लोगों को मानना आ रहा है? इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से 2-4 दिन के भीतर, और मैं पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं से भी मैं जाकर के मिलूंगा, उनसे भी पूछूंगा कारण क्या है, किस आदमी के दबाव पर इतना बड़ा निर्णय और फैसला लिया है, मैं उनसे जरूर जाकर के इस बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि हमारे पूर्व विधायक कमल मस्कोले जी ने बताया, अचानक 12 घंटे के अंदर इनकी जो टिकट का सिस्टम बना कट गई और इन्हें वहाँ से निलंबित कर दिया गया है। आज इन्होंने निर्दलीय फार्म भरा है और जितने मंडल अध्यक्ष हैं, जनप्रतिनिधि इनके साथ जुड़ चुके हैं। अब ये देखना है
कि एक तरफ भाजपा का प्रत्याशी एक निर्दलीय प्रत्याशी कमल मस्कोले रहेंगे। अब ये देखना है कि वो किस करवट बैठेगा, ये बरघाट क्षेत्र का मतदाता भविष्य तय करेगा कि कौन कितना मतदाता भी खड़ा उतरता है। अखिलेश पवार कैमरामैन के साथ संजय गाड़े, NTV24 न्यूज़ बरघाट।